तो केवल हम उसके साथ में 17,977 शौचालय बना पाए, धनराशि की कमी रही, बात नहीं हो पाई जी। तो अभी हमारा जो लक्ष्य है, पिछला हम 14-15 में हमने 15-16 में जो गांव 30 गांव हमने ओडीएफ किए थे, 16-17 में अभी हमने 86 गांव को ओडीएफ किया है और अभी 81 ग्राम पंचायतों में हमारा काम ओडीएफ का चल रहा है, जहां ट्रिगर और मॉर्निंग फॉलोअप जो चल रहा है। अभी हमारा जो लक्ष्य है इस साल का, जो सरकार से निर्धारित हुआ है, वो 1,00,000 शौचालय हम 31 दिसंबर 2070 तक बनाएंगे। इसके लिए लगभग हम 250-300 गांव को एक साथ लेके चलेंगे, हम गांव की संख्या बढ़ा रहे हैं। और अभी एक हमने वो सब पैसा एक्चुअली नहीं मिल पाया था, जितना पैसा था वो सारा भर गया, जितना धनराशि आई थी टारगेट के सापेक्ष पैसा नहीं मिला। इसमें सर हम 116 गांव को ओडीएफ कर चुके हैं। रैंकिंग सर, रैंकिंग है हमारी लगभग 29 के आसपास है इस समय। पहले आप पहले दूसरे पर थे उस समय। पहले दूसरे स्थान पर रहे तो चौथे पांचवे तक फिर भी सोचते हैं 19 नंबर बहुत दूर है, इसको सही करिए। प्रायोरिटी से जैसे निकल गया था, उसके बाद तो जो डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी पे थे उनको पैसा दिया गया, उनको फंड दिया गया, तो प्रायोरिटी से निकल गया था। शासन ने 25 जनपद हमारे जो गंगा किनारे पड़ते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी 20 दिसंबर तक मुझे पूरा कर दिया जिला। इसके सापेक्ष हमको 670.50 लाख की धनराशि की आवश्यकता थी और उसके सापेक्ष हमको 517.50 मिला है। उसके आधार पर हमने 529 हैंडपंप नए अधिस्थापित कर लिए हैं सर और 528 रिबोर कर लिए हैं और इसमें राम मनोहर लोहिया में टारगेट था हमारा सर 309 हैंडपंप का, लेकिन उसमें हमको 100 हैंडपंप का ही कुल धनराशि प्राप्त हुई है। तो हमने 100 लाख के सापेक्ष 145 हैंडपंप लगा लिए हैं। नई पाइप पेयजल योजना 13 हमारी निर्माणाधीन थी, इस वित्तीय वर्ष में 9 का टारगेट था हमारा पूरा करने का, जो हमने अचीव कर लिया है, उनकी टेस्टिंग कर ली है सर। 4 का अगले साल में कुछ पैसा उसमें मिलना भी शेष है। संसाधन से ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और रोजगार सेवक के माध्यम से सूचना इकट्ठी की कराई है, कल लोग इकट्ठा करके ला रहे हैं जो कुल कितने हैंडपंप हैं, कितने खराब है, किसके मतलब राम पक्ष के घर के पास स्कूल से 10 मीटर पहले उतरा था और उसमें वाकई खराबी क्या है, वो चीज़ हम कंपाइल कर रहे हैं। वो सूची हम क्षेत्र प्रमुखों से शेयर कर लेंगे, अगर उनको घटाना बढ़ाना हो उसमें भी एडअप हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इनकी जो संस्था से करा रहे हैं, हमारी जो एक्चुअल फिजिकल आ रही है, दोनों का मैच भी हो जाएगा, कौन सही काम कर रहा है। सर आगे के लिए जल निगम को परमानेंट जिम्मेदारी दे दी जाए तो नल की समस्या दूर हो जाएगी। जैसे किसी की चैन खराब हो गई तो कोई सामने वाला मकान वाला नहीं करा रहा, बहुत कम पैसे 700 रुपये में सही हो सकता है। ये जल निगम को जिम्मेदारी मिल जाए
और जब उठा पड़ा रहे साहब छह महीने चार महीने फिर और ज्यादा खराब होता है, फिर आदमी नहीं की मांग करता है तो पैसा भी चला जाता है। पॉलिसी इस तरह की है कि वो ग्राम पंचायत को दे दिया जाए, बनाए ये लगाए ये फिर हैंड ओवर कर दे, हैंड ओवर हो जाती है फिर वो किसी गांव में चार हैंडपंप है और अगर सर देखा जाए तो आज हर गांव में मानक से कम से कम 80% की आलू लग चुकी है। मानक के शासन स्तर पर आपकी मीटिंग हो इसको बड़ा गंभीरता से लीजिए। ठीक बात है, कैसे सही इस बात नए नल बाद में लगे लेकिन रिपोर्ट पहले कैसे तो समस्या खत्म। उम्मीद ये है कि शायद कुछ पैसा रिलीज हो जाए, अगर आपको संभवतः कुछ रिलीज हो चुका है इसमें जो रिवॉर्ड के लिए देख रहे हैं जैसे हम लोग सांसद ने दिया इससे देते हैं इनको भी जोड़ रहे हैं। नहीं सांसद से लेके रिवॉर्ड की कोई नहीं आते है। अच्छा दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि या तो एग्रो वाले लगाते हैं आपके यहाँ से लगते हैं तो वो तो मान्य सांसद जी जिसको खरीदारी संस्था करेंगे उसी को जाएगा, किसी से आप लगाओ कोई नहीं जी। लेकिन जब नल लगते जो भी ठेकेदार लगाता है लगने 15 पाइपे में सपोर्ट जी लगाते 12 या 13 को सही है हकीकत है। नहीं नहीं ऐसा है हमारा मानक सर जो है 65 मीटर डेप्थ का है। 65 मीटर नहीं मैं